तो बिहार सहित झारखंड के अलग अलग लोकसभा सीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त बिहार संपादक अशोक मिश्रा मधुबनी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, मधुबनी में भी उत्साह चरम पर देखा जा रहा है मतदाताओं में। सुबह सुबह लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो पहली तस्वीर दिखाइए मधुबनी की। बिल्कुल धन्यवाद रश्मि। और सबसे बड़ी बात है कि मधुबनी का मौसम आज का सुहाना है और आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं। एक तरह से कहिए कि ठंड हवा चल रही है और इस बीच में मतदाताओं का भी मतदान केंद्रों पर आने का सिलसिला जारी है। अभी हम मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में 106 और 107 नंबर बूथ पर हैं और यहाँ सुबह से ही मतदाताओं की संख्या काफ़ी अच्छी है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये चाहे वो बुजुर्ग हों या महिलाएं हों या युवा हों, सभी यहाँ पे मौजूद हैं और कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान यहाँ पे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है उसके तहत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं और पारा मिलिट्री फोर्स को हर बूथ पर तैनात किया गया है ताकि कहीं पे से कोई अप्रिय घटना न घटे और कहीं उपद्रवी तत्व कोई काम हरकत न कर सकें। तो मतदाताओं की संख्या यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कितनी अच्छी है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम भी आज इनको साथ दे रहा है। तो मौसम अगर सुहाना हो तो फिर मतदाताओं को लगता है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने में उन्हें काफ़ी सहूलियत होती है और यही वजह है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि आज वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? एमडी जानेदीन। आप वोट डालने के लिए आए हैं, ऐसी व्यवस्था है यहाँ चुनाव आयोग? बिकॉज सही है। नहीं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मधुबनी में मुख्य समस्या किस चीज? सड़क। हमारे गांव में अभी तक कोई सड़क नहीं बना है 30-40 साल से, कोई काम नहीं हुआ। जीत के हमारे गांव में लात तक भी नहीं देता कोई भी प्रत्याशी, इस चीज का हमारे अफसोस है। मतलब निकल गया तो कोई आता नहीं है इस गांव में, वोट लिया हो जाता कि किसी ने कोई आता नहीं। आवे हमारे गांव का जाके हालत देखिए, आज से 40 साल से रोड ही नहीं बना हमारे गांव में। क्या है नाम गांव का? नाम है मोहन बदियाम। आप बताइए, आप तो कई बार वोट डाले, पहले की अपेक्षा इसमें आज में क्या अंतर है? हम लोग यहाँ हमेशा ऐसी रहा है, कोई तकलीफ का बात नहीं, लेकिन चुनाव की जो व्यवस्था रहती है। हाँ, वो इसी तरह फर्स्ट क्लास, उसमें फर्स्ट क्लास है, इसलिए कोई नहीं है शिकायत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। शांति जी जी शांतिपूर्ण है, आप भी देख रहे हैं कि शांतिपूर्ण चल रहा है सब चीज़, फर्स्ट क्लास कोई नहीं है, बाकी हम लोग सब सब ठीक ठाक है, एकदम उसमें कोई आपत्ति नहीं है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, शांति वातावरण है। ये है मतदाताओं के चेहरे पर खुशी भी है। क्या नाम है? अब्दुल माउन अनवर। पहली बार वोट डालने आए? सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम, इसके पहले कब वोट दिए? पंचायत चुनाव में, मतलब लोकसभा चुनाव में पहला। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील है। तुम्हारे यहाँ क्या समस्या है सबसे बड़ी? सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई जो है, ये सबसे बड़ी समस्या है युवाओं के लिए, इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती है सर? महंगाई और बेरोजगारी, एकदम इससे ज़्यादा नहीं। और ऊपर से हमारा जो एनवायरनमेंट है इंडिया का, यहाँ पे जो माहौल है, इस माहौल से हम लोग निकलना चाहते हैं। तो ये है मतदाता। क्या नाम है? नफीस अहमद। आपने पहले भी वोट डाला होगा, इस बार भी क्या अंतर दिख रहा है? वोट अच्छा अंतर दिख रहा है। क्या ठीक? चुनाव आयोग की व्यवस्था ठीक? व्यवस्था ठीक है। मौसम भी आज ठीक है? हाँ, मौसम भी ठीक है। ये मतदाता है वो काफी प्रसन्न है, हालांकि कुछ लोगों की स्थानीय समस्या है। क्या नाम है आपका? सैयद एमडी फैसल। इसके पहले भी आप वोट डालते थे और इस बार भी डाले, कैसी व्यवस्था की है चुनाव आयोग? बहुत अच्छा है, अभी इस इलाके में बहुत अच्छा चल रहा है। आपके इलाके में मुख्य समस्या क्या है जिसको चाहते हैं कि जिसका निराकरण? मुख्य समस्या में सबसे बड़ी चीज जो है वो तालीमी माहौल बेहतर होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि नहीं है लेकिन बहुत हद तक नहीं है। समझ लें कि अभी 40-45% जो तालीमी माहौल ठीक है, तालीमी समस्या सुधरी है, और बेहतर बनाने के लिए हम लोग इस बार आए हैं यहाँ वोट देने के लिए, कि हम चाहते हैं कि 100% तालीमी माहौल बेहतर हो। मतलब
मतलब शिक्षित लोग हो, शिक्षित लोग हो मतलब उन शिक्षा का जो है सो प्रचार प्रसार हो और जो न्यू जनरेशन है उसके बीच में शिक्षा की व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ ही साथ हमारा हमारी ये कोशिश है कि ऐसे लोग आए सत्ता पे ऐसे लोग आए जिनके जरिए से तालीमी बेदारी जो है हमारी कौम में और गरीब औरतों में जो हमारी कौम की महिलाएं औरतें हैं उन लोगों के अंदर भी ये बेदारी पैदा हो ताकि वो अपने बच्चों को इस तरफ दुनियावी तालीम की तरफ और बच्चों की जिंदगी पर अच्छा असर पड़े इसलिए कोशिश करें कुछ। देखिए तो कुछ मतदाता गंभीर भी हैं और स्थानीय मुद्दे के अलावे वो चाहते हैं कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा का विकास हो और खास करके जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनमें शिक्षा का अभाव थोड़ा देखा जाता है तो वैसी परिस्थिति में इनकी चिंता जाय जाए। देखिए यहाँ ग्रामीण महिलाएं हैं, आप एक तो मिथिला की अलग संस्कृति है और उसमें मिथिला की संस्कृति के अनुरूप आप देख सकते हैं कि किस तरह से पर्दे में आई है, लेकिन आई है वोट डालने, कहाँ आई है आप वोट गिरा वोट डालने के लिए, क्यों वोट डालने के लिए आई है, वोट का क्या महत्व है? महत्व है तब मैं गिरावे में। सबसे पहले आप वोट डालने के, घर में काम था तो काम सब छोड़ के आई है क्या? हाँ काम छोड़, जरूरी है गिराना, वोट डालना जरूरी है ना। आप बताइए क्या नाम है आपका? विभा देवी। विभा देवी, विभा जी कहाँ आई है आप वोट गिराने? क्यों वोट गिराना चाहती है? वोट गिराने का जरूर रहता तभी तो चेक गिराते हैं, जरूरी है। आप बताइए आपने पहले भी वोट डाला होगा? जरूरी है, जरूरी है। हाँ। इसलिए सब काम छोड़ करके? हाँ सब काम छोड़ के आया है। हाँ। तो ये देखिए कि ये कहाँ आए हैं वोट गिराबे, वोट गिराबे। हाँ। वोट गिरलास की होइ छै? अच्छा होइ की होइ छै? ठीक है आप बताइए। तो ये महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं और स्वाभाविक है इनके साथ कुछ कठिनाई है कि ये कुछ बोलने से भी परहेज करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप कह सकते हैं कि आप बताइए क्या नाम है आपका? शाइस्ता नाम। वोट डालने के लिए आई है जी? वोट डालना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप बताइए आप क्या ऐसी समस्या है जो चाहते हैं कि उसका निराकरण हो अगर हम वोट दें तो? किसी बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी एक आध समस्या, गांव में रोड नहीं है, रोड बना दिया जाए, गांव में सड़क चाहिए, आप बताइए। तो रश्मि ये है ग्रामीण इलाका है लेकिन इसके बावजूद भी जो मतदाता है मतदाताओं में जागरूकता है, अपने वोट को वो पहचानती हैं कि वोट का महत्व क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि सब पहले मतदान और फिर जलपान, ये जो निर्वाचन आयोग ने भी लोगों से अपील की थी और कशिश न्यूज ने भी अपील की थी उसका असर अब ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रहा है कि मतदाता सबसे पहले वोट डालने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उनको लगता है कि इस एक वोट से उनकी कई समस्याओं का समाधान होना है और कई समस्याएं वो रखते भी हैं, उम्मीद भी उनकी है कि जो आगे जनप्रतिनिधि होंगे उनकी समस्या का निराकरण करेंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं की भागीदारी बेहतर अभी है और मौसम भी उनका साथ दे रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो पांचवें चरण का चुनाव है उसमें मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। जी अशोक जी, जैसा कि हमने देखा कि लोग तालीम को यानी शिक्षा को और दूसरी तरफ महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने भी बात की सड़क निर्माण की, कहा कि, और दूसरी तरफ एक युवा ने भी कहा कि बहुत सालों से सड़क निर्माण नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं यातायात को लेकर समस्या है, इकोनॉमी को लेकर समस्या है, रोजगार को, और जैसा कि उन्होंने कहा कि शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी समस्या है और उस क्षेत्र में जहां की वो बात कर रहे थे और खासकर उन्होंने अल्पसंख्यक महिलाओं की भी बात की और कहा कि उनके मतलब उनके दरमियान उनके बीच में एक शिक्षा के प्रसार की बहुत जरूरत है। तो लगता है कि मतलब जो मतदाता हैं वो कई सारी ऐसी चीजों से बाहर निकल गए हैं जिनको पहले वोटिंग का पैमाना माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मतदाताओं में भी जागरूकता बढ़ी है काशिप, और सबसे बड़ी बात है कि अब मतदाता भी यह समझने लगे हैं कि उनकी पहली प्राथमिकता क्या है। तो जो एक तरह से कहिए कि बुनियादी जो समस्या है उसका निराकरण तो वो चाहते ही हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, और सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा का विकास हो, शिक्षा घर घर तक पहुंचे, नए जनरेशन को तालीम मिले, इसके लिए भी वो चिंतित हैं और यही वजह है कि लोगों ने अपनी चिंता का इजहार किया है और उन्हें उम्मीद है कि अपने वोट से वो इस समस्या का निराकरण पा सकते हैं। जी जी,
यानी हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर चीजें बढ़ रही हैं। तो जिस तरह से मौसम का वहां कैसा असर है, क्या मौसम वहां सुहाना है और उसका असर वोटिंग पे पड़ रहा है, मतदान पे पड़ रहा है? आवाज लगता है आप तक नहीं पहुंच पा रही है। जी अशोक जी। हाँ रश्मि, तो हम बात कर रहे थे इन मतदाताओं से और ये मतदाता अपनी बात को बेबाकी से रख रही हैं। ये भले ही ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, लेकिन ये भी मानती हैं कि इनकी जो समस्या है उस समस्या का निराकरण किस तरह होना चाहिए और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने मतों का प्रयोग करें। और एक तरह से कहिए कि ग्रामीण परिवेश होने के बावजूद भी ये अपने वोट का, आप क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार है, वोट डालने के लिए आप आए? जी सर। क्या समस्या आप के पास है या आपको लगता है कि वोट डालें तो हमारी समस्या का समाधान? हमारे पास कोई समस्या नहीं, हम वोट डालने के लिए आए हैं। समस्या ये है कि जब से हम लोग बचपन से जवान हुए अभी तक हमारे गांव का रोड नहीं बना है। अच्छा। वो पहले मिट्टीकरण था, मिट्टीकरण के बाद अब खरंजा ईंट का बिछाया हुआ, उसके अलावा नहीं बना। वोट केवल डालते रहे और इसके अलावा कोई सुनने वाला, मुखिया हो या चाहे सरपंच कोई भी हो, कहता रोड बना देंगे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद कभी अभी तक रोड नहीं बनता है। आधी रोड बना, आधी पे जाकर फंसा हुआ है, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला नहीं। आप बताइए क्या नाम है आपका? संतोष कुमार राम। संतोष कुमार राम। संतोष कुमार, वोट डालने के लिए आप जी? कुछ समस्या ऐसी भी है आपके पास कि जो चाहते हैं कि इसका निराकरण? भाई सिर्फ जो रोड का जो समस्या वो हल हो जाए। आप करते क्या है? राजमिस्त्री का काम करते हैं जी। तो गांव में भी तो अब मकान बनने लगा है, लोगों को रोजगार मिलने लगा है। जी जी। आप बताइए क्या नाम है आपका? दिल का नाम है। क्या दिक्कत है यहाँ पे? लोगों को कुछ कठिनाई भी है क्या? नहीं, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। वोट डालने के लिए आए, कहीं कोई परेशानी नहीं? आप बताइए। सर शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट है हम लोग के इधर, पूरा शिक्षा व्यवस्था पूरा एकदम जीरो सर। कुछ नहीं, कुछ नहीं है सर। आप देख सकते हैं सर स्कूल पे कुछ ही, और रोड जो है सर उस साइड में NH 57 सटाक, वो रोड सर लगभग जब से हमारा 25-30 साल उम्र हो गया अभी तक सर रोड बना नहीं है और उम्मीद है भी नहीं कि सर बनेगा। शिक्षा व्यवस्था में क्या स्कूल हैं, शिक्षक हैं? शिक्षक है लेकिन सर पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई नहीं होता है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं किया है सर? आप सुधार हुआ है थोड़ा मोड़ा, अभी देख सकते हैं वो भी इलेक्शन के समय में सुधार हुआ है, वरना वही लीपा पोती जो हो गया है उसके अलावा कुछ नहीं सर। आप बताइए क्या नाम है आपका? चिल्हाए राम। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं जी। वोट डालने के लिए आप आए, क्या मन में है कि वोट का क्या महत्व है अगर हम आपसे पूछें तो? महत्व क्या होगा? जो होगा मैं वोट देने आया तो हमको महत्व क्या होगा, जहाँ वोट देना पड़ेगा ना जी। तो ये है रश्मि मतदाताओं की प्रतिक्रिया। कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि उनके वोट का महत्व क्या है, लेकिन वो जानते हैं कि यह उनका कर्तव्य है और उनको वोट डालना चाहिए, इसलिए वो यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग स्थानीय समस्या से भी परेशान है और कुछ को लगता है जो एक तरह से कही, अब जैसे शिक्षा व्यवस्था, तो कुछ लोगों की शिकायत है कि स्कूल हैं, शिक्षक हैं, लेकिन पढ़ाई जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। यानी कि वो मानते हैं कि अभी भी व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार की जरूरत है और इसके लिए वोट भी जरूरी है। तो यानी कि कह सकते हैं कि अपने वोट की कीमत वो पहचानते हैं और यही वजह है कि एक लंबी लाइन हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, और यही वजह है कि जो स्थानीय समस्या है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, इस मुद्दे के साथ लोग वहां पहुंचे हैं वोट के लिए। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए और इस बातचीत के लिए।